लीजिए आपकी फाइल। बैठो बैठो। नहीं सर, मुझे जाना होगा। अरे बैठो तो सही। सर, नताशा मेरा इंतजार कर रही होगी। अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं और वैसे भी हमारा ऑफिस 5 बजे बंद होता है। बैठो, कम ऑन सिट। अरे बेटा, कम ऑन। ये है मेरी बेटी नेहा और ये है सोनिया। ये हमेशा बोर्डिंग में रहती है, सिर्फ सैटरडे संडे मेरे पास रहती है ना? आपका नाम भी सोनिया है ना? मेरे मम्मी का नाम भी सोनिया था। इसके बचपन में इसकी मम्मी गुजर गई, अब ये बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। जब मेरी मम्मी आएगी ना तो मैं मम्मी के साथ ही रहूंगी। यहाँ आओ। जाओ। सोनिया, अगले सैटरडे मेरे घर कॉफी पीने आओगी? अगला सैटरडे अभी बहुत दूर है सर, और इतने दूर की नहीं सोचनी चाहिए। मेरे लिए ना सही, इसके लिए सोचना। ये माँ की कमी महसूस करती है। थैंक्स। बाय बाय नेहा। बाय बाय बाय। ऐसे क्या देख रही है? क्या जानना चाहती है? मुझे छोड़ने कौन आया था? मेरे बॉस मिस्टर सक्सेना, बहुत अच्छे आदमी है। बीवी मर चुकी है, एक छोटी सी बच्ची है, और अगले शनिवार को मुझे उन्होंने कॉफी पे बुलाया है। और कुछ जानना चाहती है? हाँ, लेकिन क्या 3 मारा है दीदी तुमने? मैंने ना किसी को निशाना बनाया है, ना मैं खुद निशाना बनना चाहती हूँ। सक्सेना मेरे करीब आए इससे पहले मैं उसकी जिंदगी से दूर जाना चाहती हूँ। पागल हो गई हो क्या दीदी? मेरा मतलब है, ऐसा भला आदमी रोज रोज कहाँ मिलता है? जब सच पता चलेगा ना, वो मेरे साए से भी दूर भागेगा। मैं कल नौकरी छोड़ रही हूँ। सोनिया को अंदर भेजो। इस लेटर का मतलब क्या हुआ? मैं अब यहां नौकरी नहीं कर सकती सर। क्यों, क्या हुआ? दिस इज माई पर्सनल मैटर। ठीक है, ये तुम्हारा जाती मामला है, लेकिन जब तक नई सेक्रेटरी नहीं आती तुम्हें यहां काम करना पड़ेगा।
कम से कम एक महीने का नोटिस तो देती। मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्या? अरे औरत की तो कोई इज्जत ही नहीं है। पता है ऑफिस में कुछ गुंडे आकर मुझे बहुत परेशान करने लगे। वो तो अच्छा हुआ कि अजय ने वक्त पर आकर उनकी खूब पिटाई की। दीदी हा? अरे कोमल आओ बैठो। दीदी आज आपको मेरा पहला डांस शो है। बिल्डिंग के सभी लोग आ रहे हैं। वाओ कंग्रेट्स। लेकिन कोमल एक बात बताओ, ये कामयाबी का सर किसे जाएगा? मेरे गुरुजी को। एक्चुअली उनके एक दोस्त है जो मुंबई में बहुत बड़े संगीतकार है, मिस्टर आनंद। आज यहाँ आए हैं शो करने के लिए। क्या आप उन्हें जानती हो? नहीं नहीं, लेकिन उनका काफी नाम सुना है। हाँ बहुत बड़े संगीतकार है ना वो। हाँ मैं उनके शो में डांस कर रही हूँ। दीदी अब मेरे रिहर्सल का समय हो गया है, अब मैं चलती हूँ। हाँ। आप लोग जरूर आइएगा। बाय। दीदी हम वहां नहीं जाएंगे। पर क्यों? आनंद हमारा दोस्त है और हमें देखकर वो बहुत खुश होगा। दीदी आनंद ने कोमल को सब कुछ बता दिया तो? मम्मी ध्यान से सारा सामान रख देना। ये सब कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मुंबई। मुंबई? माँ ये कोमल तो अभी बच्ची है, क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? बेटा मैं इसी मौके की तलाश में थी। सुभाष जी के साथ शो करके मेरी बेटी ने बहुत नाम कमाया है। कोमल कम से कम तू तो मेरी बात मान। अरे मैं तेरा भाई हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी। तू तो मुझे समझा कर कोमल। भैया अब तो बस मुंबई पहुँचने की देर है, फिर देखना मैं कैसे रातों रात स्टार बन जाऊंगी। तो तुम लोगों ने ठान ली है? हाँ ठीक है, तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो। आज के बाद ना ही मैं तुम्हारा बेटा हूँ और ना ही तुम्हारा भाई। हमारे सब रिश्ते खत्म हो गए। बेटा हेलो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मिस्टर खुराना है, मुझे सक्सेना साहब ने मिलने के लिए बुलाया है। सुनो उनसे कहना मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे और भी लोगों से मिलना है। ठीक है सर। आपसे मिलने मिस्टर खुराना आए हैं। जाओ उन्हें अंदर भेज दो। ओके सर। आप जा सकते हैं सर। सुनो जी मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। नहीं सर। देखा है? नहीं देखा है? देखा है? नो नो, यही देखा है, आज ही देखा है। आइए खुराना। और सुनाइए सक्सेना साहब, कहिए क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया।
नताशा, कहाँ जा रही हो? दीदी वो क्या है ना, मैं अजय से मिलने जा रही हूँ, मैंने उसके लिए खाना बनाया है। ठीक है जाओ। अच्छा दीदी। आओ। भाई वाह, खाना तो बहुत बढ़िया बनाया था। वैसे कहाँ से सीखा ये खाना पकाना? मेरी माँ से। हाँ? कहाँ पे रहती है तुम्हारी माँ? माँ और पापा दोनों लखनऊ में रहते हैं, मेरे पापा की बड़ी फैक्ट्री है। अच्छा, अरे तो फिर घर छोड़कर यहाँ पर नौकरी करने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ी रहूँ। लेकिन सही मायने में औरत की सही जगह उसके घर में ही होती है। ये तो पुराने विचार हुए ना। पता है मुझे, मगर मुझे तो यही पसंद है। After all, old is gold, you know.